अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास टू की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले आप उर्दू के चार लेक्चर सुन चुके हैं। उम्मीद है कि इसका काम तमाम बच्चों ने मुकम्मल कर लिया होगा। अब हम अपने पांचवें लेक्चर की तरफ आते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 देखें। अब आपके पांचवें लेक्चर का पहला काम बताऊँगी। सफ़ा नंबर 9 में सबक है इत्तेफाक में बरकत है। इसके आगाज़ में, सबक के आगाज़ में ये अल्फाज दिए गए हैं, ये मुश्किल अल्फाज हैं। पहले मैं ये पढ़कर सुनाऊंगी, फिर लिखने का तरीका बताऊंगी। उम्दा, ज़मींदार, बरअक्स, मजबूती, सेहतमंद, इत्तेफाक, अहद, घटा। ये काम आपको अपनी कॉपी में किस तरीके से करना है, आपकी कॉपी में अगर मैं कहूँगी कि कॉपी नंबर 1 में काम करना है तो वो समझे आपकी उर्दू होमवर्क कॉपी है, और अगर मैं कहूँगी कॉपी नंबर 2 में काम करना है तो समझें कि वो आपकी सीवर की कॉपी है। तो मैं आपको ये कॉपी नंबर 1 का काम बताऊँगी। सबसे पहले तारीख, सबक का नाम, HW, मुश्किल अल्फाज की हेडिंग, और ये पूरे 8 अल्फाज हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए थे। ये आपको अपनी किताब से अपनी कॉपी में करना है। पहला लफ्ज़ मैंने आपको लिख के दिखाया है, उम्दा। इसी तरीके से आप ये पूरे 8 अल्फाज लिखेंगे। अब मैं आपको पांचवे लेक्चर का दूसरा काम बताऊँगी। किताब का सफ़ा नंबर 12 देखें। सफ़ा नंबर 12 पे दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करें। ये काम आपको अपनी बुक में करना है, और मुश्किल अल्फाज का काम आपको कॉपी नंबर 1 यानी होमवर्क कॉपी में करना है। नंबर 1, बूढ़े डैश ने एक रस्सी मंगवाई। इसके सामने 4 अल्फाज दिए गए हैं, किसान, मज़दूर, ज़मींदार, उस्ताद। सही जवाब है ज़मींदार। इसमें टिक लगाइए और यही जवाब आप खाली जगह में लिखें। अब पढ़ेंगे, बूढ़े ज़मींदार ने एक रस्सी मंगवाई। नंबर 2, तीनों लड़कों ने पलक झपकते ही डंडों के डैश टुकड़े कर दिए। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5। सही जवाब है 2-2। ये जवाब आप अपनी कॉपी में खाली जगह में लिखेंगे। अब ये जुमला पढ़ेंगे, तीनों लड़कों ने पलक झपकते ही डंडों के 2-2 टुकड़े कर दिए। नंबर 3, हम दोनों डैश भी मिलकर रहते, दोस्त, भाई, बहन भाई, पड़ोसी। सही जवाब है बहन भाई, टिक लगाइए और यही जवाब खाली जगह में लिखें। अब पढ़ेंगे, हम दोनों बहन भाई भी मिलकर रहते हैं। नंबर 4, इत्तेफाक और इत्तेहाद में बड़ी डैश है, बरकत, जहमत, लड़ाई, कदूरत। दुरुस्त जवाब है बरकत, टिक लगाइए और यही जवाब खाली जगह में लिखें। अब ये जुमला पढ़ेंगे, इत्तेफाक और इत्तेहाद में बड़ी बरकत है। ये काम आपको अपनी बुक में करना। अब मैं आपको पांचवें लेक्चर का तीसरा काम बताऊंगी। अपनी किताब में देखें, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, क्यों भाई डैश पसंद आई तुमको? 2 अल्फाज दिए गए हैं, कहानी, दास्तान। सही जवाब है कहानी, टिक लगाएंगे और यही जवाब खाली जगह में लिखेंगे। अब ये पढ़ेंगे, क्यों भाई कहानी पसंद आई तुमको? नंबर 2, दूसरा बेटा डैश था, ताकतवर, कमज़ोर। सही जवाब है ताकतवर,
टिक लगाइए और ये जवाब खाली जगह में लिखें। अब पढ़ेंगे, दूसरा बेटा ताकतवर था। नंबर 3, बूढ़े डैश ने लकड़ियों की रस्सी खोल दी। किसान बाप, सही जवाब है बाप, टिक लगाइए। अब ये जवाब खाली जगह में लिखें। अब ये जुमला मुकम्मल है, अब इसे पढ़ेंगे, बूढ़े बाप ने लकड़ियों की रस्सी खोल दी। ये काम भी आपको अपनी बुक में ही करना है। आज आपका ये 5वां लेक्चर मुकम्मल हो गया है। जो काम इस लेक्चर में दिया गया है वो लाजमी किताब का काम जो है अपनी किताब में करना है, और कॉपी का काम कॉपी में करना है। शुक्रिया।